friends, I'm Anuya and you're watching me on Rolling Frames Entertainment. Thank you so much for your love, for your comments, for your support, your guidance, your questions, your queries. बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मेरी वीडियोस देखी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत सारी क्वेरीज लेडीज की आई कि अगर वो जिम जाती हैं तो उनका, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियोस में उनको आपको बोला कि मसल उनका बिल्डअप हो जाता है ना, गर्ल्स को मैं चाहिए कि मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, सो मुझे डॉले शॉले नहीं बनाने. सो एक और भी बहुत सारी क्वेरीज मेरे सामने आई कि अगर हम जिम जाते हैं या कार्डियो ज़्यादा करते हैं तो हमारी स्किन ज़्यादा लूज हो जाती है, लटक जाती है उनकी स्किन. सो जो अल्टीमेटली किस चीज़ से होती है उनको बहुत सारे लोगों को नहीं पता. सो आई एम जस्ट कवरिंग दिस पॉइंट इन दिस वीडियो कि जब आप ओवर एक्सेस कार्डियो करते हो, क्रॉसफिट करते हो या फिर आप रनिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, सो उससे आपकी स्किन सागी हो जाती है, उससे आपकी स्किन बहुत लूज हो जाती है. आई हैव मेट मैनी मैनी वुमेन इन माई लाइफ, इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि जिनकी स्किन ऑटोमेटिकली लूज हो जाती है जिम के लिए. सो उनको मत समझो एक दो महीने जिम करेंगे उसके बाद देयर इज कट, उनको लगता है कि मेरी स्किन लूज हो जाएगी तो मेरे को जिम नहीं करना. बहुत सारी लेडीज छोड़ देती हैं बिकॉज ऑफ उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही होती कि क्यों उनकी स्किन लूज हो रही है. तो मैं इस पॉइंट को आपको कवर करती हूँ. स्किन लूजनिंग के सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं आपको एक्सेस कार्डियो. सो उससे बेटर है कि आप कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. मसल बिल्डअप के लिए नहीं है ये, आपकी टोनिंग के लिए है. अगर आप मसल बिल्डिंग करोगे तो उसके लिए आपको देखो विदाउट सप्लीमेंट, विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट सब चीज़ें आप नहीं कर सकते. सो ये सब चीज़ों आपको साइड पे रखो कि आपने मसल बिल्डिंग करनी है. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग करो जिससे आपकी टोनिंग होगी बॉडी की, जिससे आपकी स्किन अगर 10 में से 8% में लटक रही है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी. देखो स्किन है एक लड़की के लिए, उसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर वो जैसे बहुत ज़्यादा फैट लोग होते हैं, अगर वो 20 के भी हैं ना तो वो अगर मोटे हैं, उनकी स्किन लटकी हुई है, वो ऑब्वियसली हमें ओवर एज लगते हैं, हमें लगे कि 30 के हैं. बट अगर आपकी स्किन अच्छी है, स्किन ग्लोइंग है, आपकी लटकी नहीं हुई है, टोन्ड बॉडी है, टाइट है, सो वही आपकी एज भी कम लगनी शुरू हो जाती है. सो स्किन आपको पता है एक वुमेन बॉडी के लिए, एक ह्यूमन बींग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है. क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. अगर किसी से मिल रहे हो आप थोड़ी सी डल से लग रहे हो, वो बंदा खुद ही बोल देगा यार ये बंदी एज लग रही थी, है ना. सो इसलिए वो सब चीज़ें आप देखो कि आपने स्किन को अपनी कैसे इंप्रूव करना है. उससे आप क्या इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइटरी सप्लीमेंट में, फिश ऑयल कर सकते हो, विटामिन ई कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन, आपके हेयर क्वालिटी उसकी इंप्रूव होती है. सो अगर स्किन आपकी ग्लो कर रही है, लटकी नहीं हुई है, सागी नहीं है, तो यू विल फील गुड. अगर आपको कोई, बहुत सारी हैं जो बेल्ट यूज़ करती हैं गर्ल्स, वन पीस पहनना है बट वहाँ पे बेल्ट लगाई हुई है, वो पता नहीं स्किन कितनी लूज है बट बेल्ट से वो टोन अप हो जाती है, दिखने में अच्छी लगती है बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि क्या रियलिटी है. सो गर्ल्स अगर आप कर भी रहे हो सेम वही चीज़ें, आपकी स्किन लटकेगी नहीं अगर आप उसको बैलेंस करके चलोगे. क्रॉसफिट करो बट उसके साथ में आप योगा भी कर सकते हो, उसके साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो जिससे आपकी स्किन टोन अप होएगी, लटकेगी नहीं. बट ये अगर जुम्बा कर रहे हो वो भी कार्डियो ही है, क्रॉसफिट कर रहे हो दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्डियो. सो उन सब चीज़ के साथ साथ आप स्ट्रेंथ कर लो, फिश ऑयल, अपनी डाइटरी न्यूट्रिएंट्स पूरे कंप्लीट रखो, प्रोटीन इनटेक अपना इंक्रीज करो. बहुत सारे हैं कि जो बोलते हैं प्रोटीन में हम करेंगे तो मसल बिल्डअप हो जाएंगे, बॉडी बन जाएगी, नहीं. प्रोटीन इज जस्ट टू रिकवर योर मसल्स. अगर आपकी कुछ वेयर एंड टीयर होती है बॉडी में तो वो उससे मेंटेन हो जाता है, वो रिकवर कर लेता है प्रोटीन. प्रोटीन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओनली आपने वे प्रोटीन लेना है, आप नेचुरल प्रोटीन भी ले सकते हो. सो बहुत सारे फॉर्म हैं. सो बहुत सारी मिथ अभी भी मिसकंसेप्शंस लोगों में है जो कि वो क्लियर नहीं करते हैं, या तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पूछेंगे तो दे फील ऑफेंडेड कि अगले बंदे को बोलेगा ये पता ही नहीं है आपको, आप जिम जा रहे हो बट आपको प्रोटीन के बारे में नहीं पता. सो ऐसा नहीं होता. आप जिसमें भी कंसल्ट करना चाहते हो, प्रोफेशनल्स आते हैं, आपके ट्रेनर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, फ्लो मैनेजर्स हैं, आपके फिटनेस मैनेजर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करो कि किस तरीके से मैं अपनी बॉडी टोन अप कर सकती हूँ.
So I think, I hope I have cleared your query. So अगर आपके इसके अलावा भी आपके पास कोई भी questions आते हैं, कुछ भी आपको लगता है कि मेरे से पूछना है आपने, so please guys आप comment करके मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं एक और वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट.